Good morning, students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In the last video, we have completed up to question number 5 of exercise 1.2. And today, we are going to continue with question number 6. So, let's begin. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? So, a machine has been on an average, one day, how many screws manufacture 2,825. इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस मशीन ने जनवरी मंथ में टोटल कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करे हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जनवरी मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं। सो वी नो दैट देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो 31 से अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज। सो स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन वन डे, वन डे में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए हैं? 2,825। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज। देयरफॉर स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन जनवरी। तो जनवरी मंथ में टोटल कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए हैं? हमने वन डे की जो स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 31 से। सो उसको रफली हमने करके देख लिया। सो 1 5 5, 1 2 2, 1 8 8 एंड 1 2 2, 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 7, 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 7 8, दिस इज 5 7 15, 1 कैरी, 7 एंड 8। सो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? 87,575 स्कूल्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? 87,575 स्क्रूज प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो आंसर क्या हो गया? 87,575 स्क्रूज प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। एक मर्चेंट है जिसके पास टोटल कितने रुपीज है? 78,592। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया है क्या परचेज करने के लिए? 40 रेडियो सेट्स। और एक रेडियो सेट की जो प्राइस है वो कितनी है? 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो हमको ये बताना है कि परचेज करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे। मीन्स टोटल उसके पास कितने रुपीज है? उसने 40 रेडियो सेट्स परचेज किए हैं, एक रेडियो सेट की प्राइस क्या है? 1200। सो 40 रेडियो सेट्स परचेज करने के बाद उसके पास 50 रुपीज रिमेनिंग है, मतलब इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे। सो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, वन रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रुपीज 1200 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 40। सो हमें टोटल पता चल जाएगी 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है, बिकॉज वन की कितनी है? 1200। सो 12 4 48 9 0 0 0। सो क्या आया हमसे? 48,000, मतलब 48,000 की कॉस्ट है 40 रेडियो सेट्स। सो टोटल मनी कितनी है उसके पास? 78,592। मनी स्पेंड बाय हर, अब उसने 40 रेडियो सेट्स परचेज करें तो उसमें टोटल कितने स्पेंड करें? रुपीज 48,000। मनी रिमेन्स विथ हर, अब उसके पास टोटल कितने रुपीज से? 78,592। उसने 40 रेडियो सेट्स परचेज करें कितने रुपीज उसने स्पेंड कर दी? 48,000। अब हमें बताने कितने रुपीज उसके पास अभी भी बचे हैं, तो इसमें से हम ये अमाउंट जो है माइनस कर देंगे। सो 2, 9, 5, 8 - 8 = 0, 7 - 4 = 3। सो कितना अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है उसके पास? 30,592। सो आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर रुपीज 30,592 remains with her
after the purchase. So answer, therefore rupees 30,592 remains with her after the purchase. So इस question में आपको क्या given था? Total amount given था Marshall के पास. उसने 48 rupees extra purchase करी थी और एक की price क्या थी 1200. हमें बताना था कि purchase करने के बाद उसके पास कितने rupees बचे हैं. So 180 की cost given थी, हमने 40 की find out कर ली, multiply कर दिया 40 से. तो amount क्या है 48,000. Total मैंने हमें पता थी तो money spent जो उसने की थी वो हमने minus कर दी, तो हमें पता चल गया कि कितने rupees उसके पास अभी भी remaining है. So answer is 30,592. I hope this question is clear to you. Now next. Next is question number 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. एक student है उसने इस number को 7,236 इसको 65 से multiply कर दिया और उसे किससे multiply करना था 56 से. By how much was his answer greater than the correct answer? तो अब हमें बताना है कि उसका जो answer आया है वो correct answer से कितना greater है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. एक नंबर है 6, उसको हमने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, बट किससे करना था हमको 2 से. तो हमें बताना है कि हमारा आंसर जो है कितने से ग्रेटर है करेक्ट आंसर से. सो अगर 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 36 और 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आता 12. अगर हम करेक्ट आंसर से करते तो हमारा आंसर जो है स्मॉलर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये 2 जो है स्मॉलर है 5 से. ऐसे ही यहाँ पे 56 जो है स्मॉलर है 65 से, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो स्मॉलर होगा. सो अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे 13 से 12 को माइनस कर देंगे 18. मीन्स हमारा जो आंसर है वो कितने से ग्रेटर आया 18 से. सो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. व्हेन 7236 मल्टीप्लाइड बाय 65. सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, रफ में कर दिया इसको हमने मल्टीप्लाई. 6 5 30 0 3, 5 3 15 18 वर्क कैरी, 30 10 11 वर्क कैरी, 35 36 36 18 19 21 2 carry 12 40 1 carry 42 40 0 this is 40 3 0 7 40. सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 4,70,340. When 7236 multiplied by 56, अगर 56 से मल्टीप्लाई किया उसको तो आंसर क्या आएगा 6 6 36 18 19 21 2 carry 12 13 14 1 carry 14 0 3 carry 15 18 1 carry 10 11 1 carry 36 6 1 12 5 0 4. तो यहाँ आंसर क्या आया हमारा 4,05,260. सो अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसका. 4,70,340 माइनस 4,05,260 इसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट किया. सो ये 4 हो जाएगा 3, ना कैरी का बोरो करी हो जाएगा 10 10 माइनस 6 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 0 से 5 नहीं होगा लेस. तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ना कैरी बोरो करी हो जाएगा 10 10 माइनस 5 इज 5, 6 माइनस 0 इज 6 एंड 4 माइनस 4 इज 0. सो आंसर क्या हो जाएगा, इस आंसर वॉज ग्रेटर बाय 65,124 than the correct answer. So यहाँ पे हमने क्या किया, इस नंबर को पहले 65 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो गलत मल्टीप्लीकेशन हो गया था रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हो गया था, और जो करेक्ट मल्टीप्लीकेशन था वो क्या था 56, तो वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया. दैट टोटल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. मीन्स 65,124 से जो है इसका आंसर ग्रेटर था. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड. एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने क्लॉथ की नीड होती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन.
अब हमें बताना है कि 40 मीटर क्लॉथ है टोटल, तो उसमें से कितनी शर्ट्स जो है वो स्टिच हो सकती हैं और कितना क्लॉथ जो है बचेगा बाद में। सो क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट, क्लॉथ कितना लगता है शर्ट को स्टिच करने के लिए, 2 मीटर 3 सेंटीमीटर। सो ये जो हमको 2 मीटर दिया हुआ है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अभी 2 मीटर जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, सो 2 × 100 सेंटीमीटर प्लस रिमेनिंग कितना बचा जाता है 15 सेंटीमीटर। ये जो 2 मीटर है इसको हम इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, बिकॉज जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीन्स जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, अब ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे जो एड हो जाएगा बाद में। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 200 सेंटीमीटर प्लस एज इट इज आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 215 सेंटीमीटर, मीन्स जो हमें क्लॉथ दिया हुआ था 2 मीटर 3 सेंटीमीटर उसको हमने टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया पूरा, तो क्या आया 215 सेंटीमीटर। मुझे टोटल क्लॉथ है वो कितना दिया हुआ है 40 मीटर, तो इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ 40 मीटर, सो 40 × 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये 4000 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच, अब हम बता सकते हैं कितनी शर्ट्स जो स्टिच हो सकती है, तो 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर को आप किससे डिवाइड कर देंगे 215 सेंटीमीटर, बिकॉज एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है, यूज होता है। सो 4000 उसको हमने किससे डिवाइड किया 215 से, सो 1 टाइम जाएगा ये सबसे पहले 215, सो ये जाएगा 10 − 5 = 5, देन 9 − 1 = 8, देन 3 − 2 = 1, 0 आ जाएगा। अभी किसे मल्टीप्लाई होगा हम 7 से करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 5, 3 × 7 = 9 × 10 = 1, 14, 15। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 44 = 12, 1, 16, 17। सो ये अब 8 टाइम जाएगा 1720, जीरो 5 − 2 = 3, 8 − 7 = 1, देन इज 0, सो 130 जो है अभी इसमें रिमाइंडर बचा है। सो 18 क्या हो गया नंबर ऑफ शर्ट्स जो स्टिच हो सकती हैं और 130 सेंटीमीटर जो है क्लॉथ जो अभी भी बच रहा है। सो यहां पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आंसर तो आंसर क्या होगा, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, 18 शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं और उसके बाद कितना क्लॉथ रिमेन, मतलब कितना क्लॉथ बचेगा 130 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था कि शर्ट स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ की नीड होती है, 2 मीटर 3 सेंटीमीटर, और टोटल हमको क्लॉथ दिया होता 40 मीटर, हमें बताना था किसमें कितनी शर्ट्स जो है वो स्टिच हो सकती है और कितना क्लॉथ बचेगा। सो हमको ये जो क्लॉथ है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ था, तो जो मीटर की यूनिट थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, जब हम बिगर यूनिट को स्मॉलर में करते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो मीटर को हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया था, हमने मल्टीप्लाई किया, देन रिमेनिंग 15 सेंटीमीटर था उसको ऐड कर दिया, सो आई 215 सेंटीमीटर। अब ये जो 40 मीटर दिया हुआ था इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब सेम यूनिट होती है तभी हम कोई चीज होती है उसको सॉल्व कर पाते हैं, ये सेंटीमीटर में था ये मीटर में था तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, सेम यूनिट करने के लिए हमने उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सो टोटल लेंथ क्या गई क्लॉथ की 4000 सेंटीमीटर, देन 4000 को हमने डिवाइड कर दिया 215 से, सो हमारा आंसर आया 18 और रिमाइंडर आया यहाँ पे 130, मीन्स 18 शर्ट जो है वो स्टिच हो सकती है, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो अभी भी बचेगा। सो आंसर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मेडिसिन जो है वो बॉक्स में पैक हुई है और एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। अब हमको बताना है कि एक वैन है जो सिर्फ 800 kg तक ही वेट जो है कैरी कर सकती है, उसमें हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं। सो द वेट ऑफ ईच बॉक्स, एक ईच बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। सो अगेन हम क्या करेंगे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सो वी नो दैट
1 kg is equals to 1000 gram. Therefore, 4 kg 500 gram is equals to 4 kg को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया ग्राम में. सो 4 × 1000 gram और रिमेनिंग कितना है यहाँ पे प्लस 500 gram. सो दिस इज 4000 gram प्लस ये कितना हो गया 500 gram. सो ये कितना हो जाएगा टोटल 4500 gram. नाउ कैपेसिटी ऑफ वैन, कैपेसिटी हमको कितनी दी हुई है वैन की 800 kg. सो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया. सो 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, तो ये कितना आ गया 800,000 ग्राम. सो जो हमको एक बॉक्स का वेट दिया हुआ था 4 kg 500 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में. सो आया 4500 मीन्स 4500 ग्राम. देन जो बैंक की कैपेसिटी दी हुई थी वो दी थी हमको केजी में 800 kg, तो उसको भी हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया. बिकॉज सॉल्व कर देती है हमको दोनों जो है सेम यूनिट में चाहिए, तो वो कितना आ गया 800,000 ग्राम. नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन. सो बॉक्स अब कितने लोड हो सकते हैं वैन में. सो ये जो 800,000 दिया हुआ है 800,000 ग्राम, इसको हमने किससे डिवाइड किया 4500 ग्राम. सो इसको हमने डिवाइड कर लिया 800,000 / 4500. सो ये पहले जाएगा 1 टाइम, दैट इज 4500 0 0. दिस इज 10 and 5, दिस इज 7 - 4 7 - 4 is 3. सो 3500. अब यहाँ पे एक जीरो लिख लिया हमने. सो अब ये जाएगा 7 टाइम्स. सो 4500 × 7. सो दिस इज 5 3 7 4 28 29 30 31. सो दिस इज 3 1 5 0 0 0 0. ये हो जाएगा 4, तो दिस इज 10, 10 - 5 is 5, देन 4 - 1 is 3, देन दिस इज 0, देन अगेन 3500, तो एक और 0 आ जाएगा यहाँ पे, देन अगेन ये 7 टाइम्स जाएगा. सो 3 1 5 0 0, सो अगेन ये बचेगा कितना 3500. सो आंसर क्या हो गया हमारा 177 बॉक्सेस. मीन्स कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं हम वैन में, 177. सो आंसर क्या हो जाएगा 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन. सो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, एक बॉक्स का वेट दिया हुआ था कितना 4 kg 500 ग्राम. देन हमको दिया हुआ था कि एक वैन है उसमें हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं और वो 800 kg से ज्यादा वेट जो है कैरी नहीं कर सकती. सो हमने जो ये केजी में था उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आया 4500 ग्राम. देन वैन की कैपेसिटी कितनी 800 kg, सो उसको भी हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज दोनों ही सेम होनी चाहिए. देन उसको हमने डिवाइड किया तो आगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना 177. सो आंसर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10. आई होप ऑल द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आर क्लियर टू यू. बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. थैंक यू.